का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने एक बड़ी आबादी को, जो कि तमाम सर्वेस के मुताबिक आधी से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उनको डिसइनफ्रेंचाइज नहीं होने दिया, हमने उनको वोट डालने दिया। पहला सुकून तो मुझे ये हो गया कि ये क्या, ये सब लोगों ने जाके वोट दे दिया और बच्चे बच्चियों ने जान लगा दी। देखिए ना, उनकी ना कोई इलेक्शन कैंपेन थी, ना उनका निशान था, ना उनके उम्मीदवार थे, गैर मारूफ लोग, कोई उनके पास कोई इस तरह का सहारा नहीं था, किसी भी सियासी नज़रिए से उनका ताल्लुक था गौरीजा साहब, लेकिन हमारे बच्चे बच्चियाँ इन्होंने वो जान लगाई है। इतनी बड़ी सियासी जमात, ये अरबों रुपयों की इनकी इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने उसका मुकाबला किया। और एक मैं बहुत एक बार बहुत बिल्कुल दिल से कहूँगा कि उनको मौका मिला कि उनके लोगों ने, उन्होंने अपने वोटर्स को वहाँ पहुँचा दिया, किसी तरीके से पहुँचाया, वोट डलवा दिया, उसका नतीजा आप सामने आ रहा है, वो भी बहुत हद तक जो है वो बेहतर है। देखिए कुछ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, कुछ जगहों पे जो है वो हमें कुछ कैफियत नज़र आ रही है, मैं आई कैन लिव विद दैट, लेकिन खुदा के लिए गौरीजा साहब इस बात को, जितना भी आपकी इन्फ्लुएंस है, माशाल्लाह आप SIFC के एपिक्स कमेटी के मेंबर हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया इस SIFC ने और इस निगरान हुकूमत ने पिछले 6 महीनों में, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम किया। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर में खुदा के लिए किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त ना होने दें, इन आज़ाद लोगों को जिस तरीके से भी आए, इनका जो इनको हक बनता है, इसको किसी सूरत से टच ना होने दें। देखिए पाकिस्तान पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा, आप बहुत खुश, बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं, आप अपनी SIFC को भी बताएं, आप आर्मी चीफ को भी बताएं कि इनको गले लगाएं, इनको हीलिंग टच दें, इनको हक दें, इनको बताएं कि जी के हर आदमी से कहीं ना कहीं गलती हुई है, उनके यहाँ बहुत सारी ठीक होने की गुंजाइश है, लेकिन उनकी इस मेहनत को और इनकी इस पाकिस्तानियत को, जिस जवाब किस मेहनत से उन्होंने ये कैंपेन रन की और इस हद तक अपने नज़रिए को पहुँचाया है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जब ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, अब किसी के लिए उसको गोल्ड प्लेटर में जो कुछ करके दे सकते थे, उसके बाद भी अगर उन्होंने ये नतीजा दिया, अल्लाह उनको खुश रखे, जो भी उनको उनके साथ हुआ है, जो उनको सहूलत फराहम की गई है, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन अब नतीजा आ गया है, इसको खुदा के लिए अब किसी सूरत से टच ना होने दे, इसको इसकी रूह के मुताबिक अमल करा दे। गौरिया साहब, अनवारुल्लाह काकर साहब को मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत उम्दा तरीके से आप लोगों ने चलाया है, अब आप जो है वो SIFC और वो अल्लाह करे उसका कॉन्टीन्यूटी भी हो जाए, और फिर ये कि ये जो अब गवर्नमेंट बने ना, इसमें कोई अल्लाह ना करे कि कोई खरीद फरोख्त या कोई मंडी वगैरह ना लगे। मैं बिल्कुल खान साहब आपके साथ हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, मैंने तीनों गवर्नमेंट्स के साथ पिछले 15 साल में एज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव काम किया, और मैं ये समझता हूँ कि आज जो हुकूमत बनने जा रही है, वो मैं भी आप ही की तरह पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा हूँ, और ये दुआ कर रहा हूँ कि ये जो है इस तरीके से हुकूमत बने कि पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। हमने एक माहौल क्रिएट किया, इस तमाम बातें हमने सुनी कि जनाब किसी सूरत में हक नहीं दिया जाएगा, किसी सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन को डिले कर दिया जाए कि हालात जो है वो ख़राब हैं, हमने किसी जगह अपने मैंडेट से हट के कोई काम ना सोचा ना किया, और मैंने फिर बार बार यही बात की। अब आज मैं भी आपके साथ हूँ इसी बात पर, और यही दुआ कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं इस बात को पहुँचा सकता हूँ, हर जगह यही बात पहुँचाऊँगा कि अब पाकिस्तान को आगे जाना, और जिसका जो भी मैंडेट मिला है उनको भी मेजॉरिटी अपने मैंडेट की लेनी चाहिए, और इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हो, दिट शुड वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आर कंट्री। ये हमारे बच्चों ने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जिसको भी वोट डाला है, अपनी मर्जी से डाला, हमने उसको इनेबल किया है, एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि वो डाल सके, और अब मैं यही कहूँगा कि इसमें अब पोलिटिकल जमातें भी मेजॉरिटी शो करें, और वो पोलिटिकल जमातें जो है जिसको मैंडेट मिला है उसको रिस्पेक्ट करें, और वो लेके पाकिस्तान को आगे चलें, ताकि पाकिस्तान है तो हमें, मैं बिलीव करता हूँ पाकिस्तान ही हमारी जान है, और तो पाकिस्तान ही हमारे लिए सब कुछ है। ये फरमाइएगा कि अब अगले 20 दिन कम से कम 15 से 20 दिन जो हैं, 10-15 दिन के करीब जो अब आपके पास हैं, उसमें आपका मैंडेट क्या है, क्या आप लोगों ने टाइमलाइन क्या है, आगे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अब यहीं से तो अब काम शुरू होगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, तमाम चीज़ें हैं, और आपको रियासत को इस अमल से दूर होना है ताकि ये सियासतदान आपस में इसको रिजॉल्व कर लें।